हेलो हिप हॉप लिसनर्स, तो कैसे हो आप लोग। तो स्टार्ट करते यंग गालिब से। तो यंग गालिब का जो झोपड़पट्टी डिस्ट्रैक था वो अभी यूट्यूब से डाउन हो चुका है। दिस वीडियो इज नो लॉन्गर अवेलेबल ड्यू टू अ कॉपीराइट क्लेम बाय नाउ वी मेजर पब्लिशिंग LLC। तो देखते हैं गाना कब तक वापस आता है। खैर, नेक्स्ट अपडेट कृष्णा की साइड से। तो कृष्णा ने एक रील शेयर करी थी अपनी स्टोरी में और उसके साथ ही लिखा था नेवर बर्न अ ब्रिज। तो इस रील के नीचे काफी लोग कमेंट करने लगे कि ये जो रील है वो कर्मा के कारण कृष्णा ने शेयर करी अपनी स्टोरी में, और इसमें शॉट्स लिए गए किट शॉट हरजस और कर्मा पे, जिन्होंने कलमकार छोड़ा है। खैर, नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ता है। तो अब बात कर लेते हैं MC स्टैन के बारे में। तो साजिद खान जो है वो MC स्टैन के साथ में एक पिक्चर पोस्ट करता है हक से, ब्रदर्स फॉर लाइफ, अ वेल स्पेंट इवनिंग विद MC स्टैन, थोड़ा खाना थोड़ा गाना, जिंदगी भर रहेगा ये आराना। इसके अलावा शिव ठाकरे का एक और इंटरव्यू देखने को मिला है जिसमें वो MC स्टैन के बारे में कुछ ऐसा कहता है। तो यही तो समझा नहीं लोगों को, घर वालों को, यही तो गेम था उसका कि मुझे खेलना नहीं, मुझे घर जाना है, मुझे ट्रॉफी नहीं चाहिए, ये एक डिफरेंट टाइप का गेम खेला है। वो मुझे भी बोल रहा था, मतलब ब्रो ये जो है ना ऐसे ही बोल, ये तेरा गेम प्लान था। गौरी थी, गौरी को भी घर जाना था, इसको भी, तो ये गौरी को बोल रहा था घर जाना है घर जाना है, गौरी निकल गई, ये बच गया ट्रॉफी लेके गया। तो ये गेम प्लान था उसका अलग तरीके का कि ब्रो मेरे को पहले घर जाना है, उसके बाद वो जो खुल गया जनता के मन में उसने घर बना लिया। और 2 महीने में इतना बनाया, सोचो 4 महीने खेलता तो ऑब्वियसली भी इतना बड़ा स्टार बन जाता जो है अभी। बात कर लेते रफ्तार के बारे में। तो काफी जल्दी रफ्तार जो है वो कुछ अनाउंस करने वाला है, तो वो कुछ स्टोरीज डालता है। इसके अलावा उनका जो YouTube चैनल है उसका उन्होंने अभी बैनर चेंज कर दिया है वॉच दिस स्पेस। तो अब देखते हैं कि क्या आने वाला रफ्तार की तरफ से। खैर, मुंहफाड़ का जो साइफर देखने को मिलने वाला था जिसमें ग्रेविटी भी होने वाले थे, तो उसका भी ऑडियो ड्रॉप हो चुका है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं MEVA के बारे में। तो MEVA की कुछ पिक्चर्स देखने को मिली है, तो वो अभी अपने नेक्स्ट ट्रैक के शूट पर है। इसके अलावा कर्मा के लिए हेलक एक स्टोरी डालते हैं लेफ्ट द लेबल, अब किस बेस पर डिस करोगे। तो अब बात कर लेते किट शॉट के बारे में। तो किट शॉट की जो द कम अप EP है उसका एक बैनर लगा हुआ था, तो किट शॉट ने उस बैनर के साथ में एक पिक्चर पोस्ट करी है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं हनी सिंह के बारे में। तो जैसे कि हनी सिंह का चमकीली कुड़ी ट्रैक आउट हुआ है, तो लक्ष्य चौधरी जो है वो हनी सिंह के ऊपर रिएक्ट करते हैं और वो अपने एक व्लॉग में बात करते हैं। तो उनका क्या कहना था यहाँ पे आप लोग सुन लो। भाई इसके क्या हो गया हनी सिंह के, क्या हुआ? नया गाना आया अक्षय कुमार के साथ, कल आज मैं सोच रहा है बस ये गाना हिट हो जाए तो हनी सिंह का कमबैक हो जाएगा, पर वही हो गया यार, ये तो लौट आओ पुराने हनी सिंह। इसकी हालत हमारे व्लॉग चैनल जैसी होगी। नहीं, हमारे व्लॉग चैनल के तो 20,000 व्यूअर डेली के इसलिए गिरे क्योंकि बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं। कोई नहीं यार, वो मैं इतना सीरियस नहीं लेता उन्हें। हनी सिंह अब वही वाला गाना ड्रॉप करना पड़ेगा हनी सिंह को, हनी सिंह बहुत गलत सलाहकार फंस गए। हनी सिंह को ये कह रहा है कि आप थोड़ा ना वीकेंड यार, मैं ना जब हनी सिंह मैंने पहली बार देखा था ना, डोप शोप गाना सुना था, मतलब उस टाइम इसके 2-3 गाने आ चुके थे अंग्रेजी बीटी ये सब, और एक दिलजीत के साथ था गोलियां चलाने दा करके। हाँ। मैं सोचू था मगर यार ये लोंडा बहुत अच्छी बात है, जवान सा लड़का है ये, तो मतलब जब तक हम बुढ़े होंगे बहुत गाने दे चुका होगा, मजा आ जाएगा, नया नया जवान रैप आर्टिस्ट है इंडिया का, क्योंकि हमें रैप लगा के रहता वैसे था तो पॉप म्यूजिक को। लेकिन यार अब ना मुझे ऐसा हो गया यार कि हनी सिंह को यार जब रिटायरमेंट पे गया था ना भाई, या तो सर वापस ही मत आते या आए थे ना तो बहुत टाइम लेकर अच्छे से आ जाते। जब इसने वापस आने में वो बनाया था ना सोनू की स्वीटी की टीटू, पता नहीं सोनू की टीटू की स्वीटी वाले, वे गाने फिर भी ठीक थे, लेकिन जितने अब सोलो वोलो बना रहे ना भाई, मैं बहुत ऑनेस्ट ओपिनियन देना चाह रहा, बहुत बेकार गाने। और ऐसा किसी को लग रहा हो गलत फहमी हो कि ये जैसे हनी सिंह जैसे बहुत सारे आर्टिस्ट को लगे थे ना इमरान खान को कि मैं जो आज बना रहा हूँ 5 साल बाद सुनेंगे लोग, ये 5 साल क्या है, 50 साल बाद भी नहीं कोई सुनने का। मैं सारे गाने भूल गया हनी सिंह के कौन सा आए थे। हनी सिंह के मैं 3-4 बार तो कमबैक हो चुका, एक आखिरी कमबैक का रख रहूंगा, उसके बाद यही मैं हनी भाई के पास एक बार पर्सनली विजिट करके कह दूंगा मैं कुछ और काम करते हैं। तो इसी के साथ मिलता हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।